अगर किसी के बारे में कहा जाए कि तुम्हारे हाथों की रेखाएं बता रही हैं कि तुम्हारे पास लक्ष्मी नहीं टिक रही है, यह बात किसी को गलत लग ही नहीं सकती, क्योंकि दुनिया के हर आदमी की एक सी हालत है, खर्च यानी एक्सपेंडिचर को लेकर। हमारे देश में प्राचीन काल से ही हाथ और मस्तिष्क की रेखाओं को देखकर इंसान के भाग्य की भविष्यवाणी की जाती रही है। लोगों का आने वाला कल कैसा होगा, कब सफलता मिलेगी, कब शादी होगी, कितने बच्चे होंगे, कब कौन संकट आएगा, ये सारी बातें पहले से ही घोषित करने का काम पामिस्ट्री एक्सपर्ट्स करते रहे हैं। पहले के लोग काफी हद तक एजुकेटेड नहीं रहते थे और वो बिना किसी एविडेंस के इन सब बातों पर आंख बूंद कर विश्वास कर लेते थे, और इसी की वजह से उनकी लाइफस्टाइल भी काफी प्रभावित होती थी। लेकिन जब लोग एजुकेटेड हुए तो उन्होंने हस्तरेखा की भविष्यवाणी को लेकर सवाल उठाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उनके सवालों को जवाब देने की जगह हस्तरेखा को विज्ञान का अंग बताकर पामिस्ट्री कहा जाने लगा। वास्तव में देखा जाए तो हस्तरेखा किसी भी एंगल से विज्ञान नहीं है, क्योंकि विज्ञान का आविष्कार हर फॉर्मूला हर तथ्य सबसे पहले सिद्ध होता है और उसका जब तक 100% रिजल्ट न निकले उसे स्टडी में शामिल नहीं किया जाता है। दूसरी तरफ हस्तरेखा एक काल्पनिक अवधारणा पर बनी हुई नॉलेज है जिसे कभी भी प्रमाणित नहीं किया गया और लॉजिकल व्यू से भी सटीक पैमाना नहीं माना जा सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि साइंस हस्तरेखा की भविष्यवाणी को क्यों नहीं मानती और साइंस की नज़र में आपकी हाथों की रेखाएं की क्या असलियत है, क्या सच में हस्तरेखा आपका भविष्य तय करती हैं या फिर ये मिथ है। तो अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आपके हाथों की जिन रेखाओं को देखकर उनका विश्लेषण करके हस्तरेखा के पाम एक्सपर्ट आपके भविष्य का निर्धारण करते हैं। आखिर ये आपके हाथों में क्यों होती हैं? क्या इनका काम भाग्य का निर्धारण करना ही है? अगर साइंस की नज़र से देखा जाए तो हमारे हाथों की बनी रेखाएं हमारी हथेली की कार्य प्रणाली के अनुसार होती हैं। हाथों की स्क्रीन पर बनी रेखाएं हाथों को अलग अलग तरीके से मोड़ने और किसी वस्तु को पकड़ने में मदद करती है। जब हम अपनी मुट्ठी को बांध देते हैं तब इन्हीं रेखाओं के कारण हाथ की स्क्रीन आसानी से मुड़ जाती है और मुट्ठी खोलने पर आपकी स्क्रीन बिल्कुल चुस्त दिखाई देती है, उसमें कोई सिकुड़न नहीं होता है। साइंस के अकॉर्डिंग माँ के गर्भ में ही 12 सप्ताह तक बेबी के हाथों में इन रेखाओं का डेवलप होना शुरू हो जाता है। बेबी के इन हाथों में इन रेखाओं का पड़ना किसी ग्रह नक्षत्र नहीं होता है, बल्कि यह भी शरीर के अन्य अंगों की तरह डेवलप होता है। इसके विकास में वही प्रक्रिया होती है जो इंसान के अन्य अंगों के विकास में होती है, इसलिए इसे लेकर फैलाया जा रहा यह मिथ डेफिनेटली गलत है। इससे सिर्फ लोगों में अनावश्यक डर पैदा किया जा सकता है। एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि गॉड इंसान की हाथों के लकीरों के माध्यम से धरती पर उसकी जीवन दशा को तय करता है, लेकिन साइंस ऐसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर ये रेखा नहीं होती तो क्या होता? लेकिन यह बात बिल्कुल कंफर्म है कि अगर हाथों में लकीरें नहीं होती तो हस्तरेखा पामिस्ट्री नहीं होते। साइंटिफिक व्यू से देखें तो हाथों पर लकीरें न होने से आपके उंगलियों की स्किन हथेली के आगे लटकती हुई होती। ये लकीरें स्किन के ढीलेपन को एक प्रकार से हाथों में जकड़ के रखती हैं। दूसरी तरफ हाथों के इन रेखाओं की वजह से ही आप अपने हाथों से किसी भी चीज को मजबूती से पकड़ सकते हैं। अगर हाथों की स्किन चिकनी होती तो किसी भी वस्तु को मजबूती से पकड़ना संभव नहीं होता। अब एक सवाल ये भी है कि अगर सभी हाथों की रेखाएं माँ के गर्भ में ही बनती हैं तो सबकी रेखाएं एक जैसी क्यों नहीं होती? मैं आपको बता दूं कि किसी भी बेबी के अंग के विकास में उसके जेनेटिक क्रोमोसोम्स का विशेष योगदान होता है। उसके रंग आकार अपने फैमिली मेंबर्स के जैसा ही निर्मित होते हैं, ठीक वैसे ही हाथों में रेखाओं का विकास और जेनेटिक क्रोमोसोम्स पर ही निर्भर करता है। यही कारण है कि दो इंसानों के हाथों की रेखाएं भी एक जैसी नहीं हो सकती, हर स्थिति में हल्का अंतर दिख ही जाएगा। देखा जाए तो अब तक कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिससे इंसान के भविष्य का सटीक निर्धारण किया जा सके, नहीं तो इस पृथ्वी पर काफी चीजें कंट्रोल की जा सकती थी। अब तक एस्ट्रोलॉजर्स या हस्तरेखा एक्सपर्ट भले ही इन रेखाओं को पढ़कर फ्यूचर के बारे में बताने का दावा करते हैं, लेकिन इन बातों का कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। आप खुद देख सकते हैं कि ऐसी रेखाएं आपकी हथेली पर वही पाई जाती हैं जहां वे मूर्ति हैं। इसी तरह अगर आप अपनी कोहनी, घुटने या कलाइयों को भी देखेंगे तो आपको वहां पर इस तरह की रेखाएं नजर आएंगी। ये बात अब बिल्कुल क्लियर है कि इंसान की त्वचा को सही ढंग से और सस्ता से मुड़ने के लिए ऐसी रेखाएं माँ के गर्भ से ही बनी हुई होती हैं, और ये उम्र के साथ साथ रेखाएं बदलती रहती हैं, और ये डिपेंड करता है कि आप अपने हाथों का कितना और कैसा प्रयोग करते हैं। कुछ लोग ऐसे काम करते हैं जिससे रेखाएं घिस जाती हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे भविष्य का निर्धारण हमारे हाथों के लकीरें नहीं, हमारे हाथों की मेहनत करती है। आपका भविष्य आपके हाथों और मस्तिष्क की रेखाओं पर नहीं, बल्कि आपके आज के काम पर टिका हुआ है। याद रखिए, जिनके हाथ नहीं होते हैं उनका भी भविष्य होता है और कई बार हाथ वालों से भी शानदार होता है। आई होप गाइस ये वीडियो को काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।